बेटर तरीके से पढ़ने के लिए भी जो है वो फैसिलिटीज नहीं दे पाए। तो अस्पताल थे जो 10 साल पहले शुरू किए गए थे, 2010-11-12 के करीब आप देखेंगे उस समय जो थे इनके उद्घाटन किए गए थे, फीते काटे गए थे, शुरुआत की गई थी। लेकिन आज भी आप इनको देखेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एक कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय है मेरे वहाँ पे, बहुत अच्छा एक योजना थी गवर्नमेंट की कि जो छोटी बच्चियाँ हैं हमारी उनको 8वीं तक जो है वो वहीं पे उनका रहन सहन और पढ़ाई उनको जो है वो दी जाए ताकि जो है वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें। 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी और जब मैं आया तो मैंने देखा जर्जर अवस्था में, ना तो कोई उसको यूज़ कर सकता है। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव कि बच्चों बच्चियों को क्या देंगे हम, एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे ताकि वो जीवन में आगे बढ़े जी। और 10 साल तक जो है वो पढ़ाई तो अच्छी कहाँ देनी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी कहाँ देनी है, हम इवन उनको बेटर तरीके से पढ़ने के लिए भी जो है वो फैसिलिटी। जम्मू में, और मैं बात करूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, तो डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। उसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो जुगल किशोर शर्मा ने दिया, जिसमें ये कह दिया कि भैया यहाँ पर तो मेट्रो चलने की कागार पर आ गई है। पर क्या असल में जो प्रगति है, विकास है, वो इतनी ही तेज़ी से हो रहा है? सवालिया निशान है। आज एक DDC मेंबर से बातचीत करेंगे। वो DDC मेंबर बताएंगे कि आखिरकार उनके इलाके में क्या इतनी ही तेज़ी से प्रगति हो रही है या सिर्फ हवाई बातें हैं, जो लगातार पहले भी हवाई चप्पल पहनाने की कोशिश की थी। बात होगी पंचैरी की, क्या आखिरकार लगता है आम जनता वहाँ की संतुष्ट है, सुखी है, या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या दावे? चलिए बातचीत करते हैं। जसबीर जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। बताते चलें, जितने भी DDC मेंबर्स थे वेल एजुकेटेड हैं उनमें से, क्योंकि ये जो हमें एक लीडर वेल एजुकेटेड होगा डेफिनेटली आम जनता की आवाज़ को बहुत अच्छे से उठा सकता है। इसलिए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्या DDC मेंबर्स को वो प्रोटोकॉल दिया गया, क्या उनकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है या नहीं? चलिए बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत नमस्कार। डेफिनेटली यहाँ तक विकास की बात होती है तो ये एक समांतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और लगातार चलती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ हमें जो है जो हमारे गरीब तबका है उसको गरीबी रेखा से ऊपर भी लाना है, और एट द सेम टाइम जब दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे आपने मेट्रो की बात की या फिर जो भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें उनमें भी जो है वो लगातार उसके लिए काम करना पड़ता है ताकि जो हमारी व्यवस्था है, हमारा मुल्क है, हमारा समाज है, वो लगातार तरक्की करता रहे। उदाहरण के तौर पर मेरे कुछ अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ आप देखेंगे कि 2G नेटवर्क भी नहीं है, यानी कि अगर आप जी भी नहीं है जी बिल्कुल, जहाँ पे आप जो है वो देखेंगे कि अगर आपके पास फ़ोन भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना महंगा फ़ोन लेके गए हैं, तो काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं पहाड़ी क्षेत्र के यहाँ पे अभी 2G नेटवर्क भी नहीं है। तो हमने लगातार उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। यहाँ मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइक जहाँ 2G नेटवर्क भी नहीं था, अब जो हमने जब बात उठाई है तो डेफिनेटली अगर 4G का युग है, 4G का ज़माना है, तो हम 2G नेटवर्क तो चलाएंगे नहीं। अब अगर वहाँ पहली बार भी चला रहे तो हम सीधा 4G चलाएंगे ताकि लोग जो है वो दुनिया के साथ चल सकें जी। तो उस पर जो है हमने लगातार काम करने की कोशिश की है, और यही पैटर्न जो समांतर आप जो पैरेलली जो विकास चलता है यही हमने अपने क्षेत्र में भी करने की कोशिश की है। यहाँ तक DDC का सवाल है, जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद ये पहली बार था कि एक नई शुरुआत थी, आप चीज़ों को जो है वो ग्राउंड लेवल पर आपने ले जाने की कोशिश की, चुनाव हुए अच्छे तरीके से हुए और बड़े बेटर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इन चीज़ों को लीड किया, और तारीफ़ करनी पड़ेगी उन सब की कि जिनका भी जो है इसमें योगदान रहा है डेफिनेटली, और माननीय LG साहब जो मनोज सिन्हा साहब हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है इसको आगे ले जाने के लिए। जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है या फिर अन्य चीज़ों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी समय गुजर चुका है, 1 साल हो चुका है, वो उस दौर की चर्चा थी। प्रोटोकॉल जब हम नए नए आए तो वो उस दौर की चर्चा थी, उस दौर की चिंताएं थी, वो अब पीछे छूट चुकी हैं, और 1 साल बाद अब क्योंकि जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हो चुके हैं, तो अब हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, ना मैं करना चाहूँगा ना टिप्पणी करना चाहूँगा कि, लेकिन जो भी दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जो भी दिया गया हमने स्वीकार किया है, और उसी के दायरे में रह के हमने काम करने की कोशिश की है। मैं यहाँ अगर अपनी बात करूँ तो प्रयास किया गया है कि जो पंचायती राज संस्था है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका सदस्य होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो उसको किस तरीके से बेटर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो विकास के लिए जो प्लानिंग करनी है वो किस तरीके से बेटर तरीके से हो। तो व्यक्तिगत तौर पर एज ए पंचायती राज एज ए टीम हमने कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप देखेंगे हमारा अपना बजट तो कोई खास रहता नहीं है,
हम जो है वो निर्भर हैं, जहाँ तो भारत सरकार का जो हमें जो पैसा आता है सीधा, या फिर जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दिया जाता है, क्योंकि नई शुरुआत है तो हमारे पास फिलहाल अपने तो कोई एसेट्स नहीं है। तो इस नई शुरुआत में खास करके जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, जैसा कि लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जहाँ जल जीवन मिशन आने वाला है, जहाँ फिर हर घर बिजली योजना है, वैसे ही जम्मू कश्मीर सरकार की जो योजनाएं हैं जो गाँव तक जो है हमने पहुँचाने की कोशिश की है, तो ये जितनी भी जो सरकारी योजनाएँ हैं वो बेटर तरीके से लोगों तक पहुँचे, और कम से कम इतना तो इंश्योर हो कि जो अलग अलग सरकारों ने जो कामकाज शुरू किया है, जो स्कीम शुरू की हैं, तो उनको हम लोगों तक बेटर तरीके से पहुंचाएं। तो कम से कम इस पे मैं कह सकता हूं कि हमने पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ कोशिश की है पूरी पंचायती राज संस्था ने। यहां तक इसको अगर मैं पंचारी मोंगरी के प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं और अपना अनुभव बताऊं, तो पिछले एक वर्ष में, क्योंकि लगभग एक वर्ष होने को है, 22 दिसंबर को जो था 22 दिसंबर 2020 को हमारे चुनाव परिणाम आए थे जिला विकास परिषद के चुनाव के, तो उसके बाद मेरी पहली कोशिश ये थी कि जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना था और ये सच भी है, अक्सर कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, तो कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखेंगे पंचारी मोंगरी में ऐसे थे। मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, लड्डा का मेरा हॉस्पिटल था, दमनोद का था, बरियोद का था, इवन मोंगरी का था, लांदर का था, बदोता का था, तो ये वो हॉस्पिटल थे, वो अस्पताल थे जो 10 साल पहले शुरू किए गए थे, 2010-11-12 के करीब आप देखेंगे उस समय जो थे इनके उद्घाटन किए गए थे, फीते काटे गए थे, शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी आप इनको देखेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो इस कुर्सी संभालने के बाद, और मैं कहूँगा कि ये जो जिम्मेदारी जनता ने दी है ये संभालने के बाद, मैंने लगातार प्रयास किया, और मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा कि जिला प्रशासन का सहयोग मिला है, जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं इंदु कनवाल चिप जी, उनका पूरा सहयोग इस मसले पे मिला है, जिला विकास परिषद का सहयोग मिला है, तो उनके सहयोग से हमने इन सारे प्रोजेक्टों को शुरू कराया है। वो यहाँ बात आप देखेंगे सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट की नहीं है, क्योंकि ये सारे PWD ने टेक ओवर किए थे, उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी साल पहले शुरू हुए थे। एक कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय है मेरे वहाँ पे, बहुत अच्छा एक योजना थी गवर्नमेंट की कि जो छोटी बच्चियाँ हैं हमारी उनको 8वीं तक जो है वो वहीं पे उनका रहन सहन और पढ़ाई उनको जो है वो दी जाए, ताकि जो है वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें। 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी, और जब मैं आया तो मैंने देखा जर्जर अवस्था में, ना तो कोई उसको यूज़ कर सकता है, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव कि बच्चियों को क्या देंगे हम, एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे ताकि वो जीवन में आगे बढ़े, और 10 साल तक जो है वो पढ़ाई तो अच्छी कहाँ देनी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी कहाँ देनी है, हम इवन उनको बेटर तरीके से पढ़ने के लिए भी जो है वो फैसिलिटीज नहीं दे पाए, तो किसी के घर में वो जो है वो स्कूल चलता रहा 10 साल, पैसे की कमी नहीं, स्कूल किसी के घर में चलता रहा, और अभी तक गवर्नमेंट ने किसने ध्यान नहीं दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा अमाउंट दिया, 90 लाख के करीब उसके लिए सैंक्शन किया था, लेकिन 10 साल एक स्कूल जो है बच्चियों का, वो आप देखेंगे कि बच्चियाँ जो है किसी के घर में वो स्कूल चलता रहा और बिल्डिंग जो है वो खड़ी रही। तो जब मैं आया तो मैंने पहले इस एडवांस में इस मुद्दे को उठाया, और जितने भी कंसर्निंग पार्टीज थी, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, मैंने इशू को रेज़ किया, और अब मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिला विकास परिषद उधमपुर और जिला प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से हमने उस काम को शुरू कराया है, और मार्च महीने तक हम उस पूरी बिल्डिंग को जो है उन छोटी छोटी बच्चियों को, जो हमारी छोटी बहनें हैं जिन्हें कल इस देश का कल संभालना है, तो उनको हम डेडिकेट करेंगे। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो 4-5 सालों से यहाँ बिल्डिंग काम अटके पड़े थे, तो हमने उन सबको अब शुरू करवाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड्स हैं, उनको हमने तेज़ी से जो है वो वहाँ जो काम था, डेफिनेटली पैसा तो भारत सरकार लगा रही है, लेकिन सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा ये देखना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने प्रयास किया है कि सिर्फ देखिए, अगर आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो भी आप जो है वो चीज़ों को, पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्वांटिटी पे देंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़रूरी है। अगर एक बिल्डिंग आपको 10 साल में बनानी है तो 10 साल में बनानी है, अगर एक बिल्डिंग आप उसका एक कमरा बड़ा अच्छा बनाते हैं लेकिन 15 साल लगा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो जो सरकारी खजाना है, जनता का खजाना है, उस पर बोझ बढ़ता है। तो इन ये जितने भी प्रोजेक्ट थे हमने अपने टाइम में इन सबको शुरू कराया है प्रशासन के सहयोग से, और मेरी कोशिश है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो लेट डिले ना हो। इवन जहाँ तक आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मैं बात कर रहा था, तो हमने इस साल, आप पिछले एक साल में देखेंगे पंचारी मोंगरी मेरे क्षेत्र में देखेंगे, तो जितने भी रोड्स थे, हालांकि हम उसको ब्लैक टॉप नहीं कर पाए, सारे रोड को तारकोल नहीं कर पाए, लेकिन 3-4 रोड जो थे हमने तारकोल किया है, ब्लैक टॉप किया है, और क्वालिटी का खास ध्यान रखा है। जहाँ जहाँ क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई होगी वहाँ वहाँ हमने कार्रवाई की भी है, पेमेंट रोकी भी है, पेमेंट काटी भी है, कंसर्न डिपार्टमेंट की ओर से जो है पेनल्टीज़ भी लगाई गई हैं, और आने वाले टाइम में जो है हम एक स्ट्रांग बेस तैयार करने के बाद, कई बार लोग पूछते हैं जनाब एक साल हो गया आपने तारकोल नहीं डाली, मैंने कहा अगर इसी चीज़ पर हम तारकोल डाल देते 4 महीने बाद उखड़ जाती, फिर आप नारे लगाते तो फिर वो पब्लिक का पैसा वेस्ट होता। तो हमने क्या कोशिश की है कि पहले उसका जो बेस है उसको मजबूत करें, उसके बाद
लगभग जो है वो मिड 2022 तक हम पूरे पंचारी मोंगरी के एरिया के रोड्स को ब्लैकटॉप करेंगे। गर्ल एजुकेशन पे हमने खास जो है जोर दिया है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायती राज ने अपनी जिम्मेदारी को लोकल लेवल पे निभाने की कोशिश की है। लेकिन लगता है 73-74 संशोधन जो लाया गया था और जिस पे ढोल भी बजाए गए थे, वो आपको लगता है कि सफल हो रहा है या फिर अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं इस मामले में वो डेफिनेटली जानते हैं कि पंचायती राज एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो की है। जो है वो पापुलर गवर्नमेंट गिरने के बाद जब मौका लगा तो डेफिनेटली 73वां और 74वां संशोधन जो है वो लागू किया गया है और इसी के तहत जो है वो जिला विकास परिषद के चुनाव कराए गए थे। कोशिश अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा सफ़र है पंचायती राज को जो है वो पूरी तरह से सशक्त करने में। तो फिलहाल ये है कि मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि हमें भी कई बार जब हम अकाउंट्स देखते हैं, कई बार जो हम जितने खाते देखते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है, कौन सी चीज़ें फिजिबल हैं, कौन सी नॉन फिजिबल हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबको समझने में टाइम लगेगा। और क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी नए सिरे से पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के साथ मिलकर काम कर रही है, तो अभी उसके लिए भी मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं, टाइम लगेगा। और एट द सेम टाइम मतलब लगता है ढोल अभी पीटना कम करना पड़ेगा, पहले ग्राउंड पर काम करना ज़रूरी है। नहीं, डेफिनेटली ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि शुरुआत अच्छी है। माननीय एलजी साहब का विज़न अच्छा था, माननीय प्रधानमंत्री साहब का विज़न बड़ा अच्छा था और हमने अच्छे तरीके से शुरुआत की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक अच्छी आप शुरुआत करते हैं, बेस अच्छा बना दिया, लेकिन उसके बाद आप जब एक एक ईंट उस पर रखेंगे तो ज़रूरी है कि आप इवेल्यूएट करें कि हर ईंट जो है वो बैटर प्रॉपर तरीके से बैठ रही है, नहीं बैठ रही। एक भी ईंट अगर आगे पीछे हो जाएगी तो बेस तो आपने स्ट्रांग बनाया है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। तो यही अभी इस पर करना बाकी है, क्योंकि इलेक्शंस का कभी भी जो बिगुल है वो फूका जा सकता है। सवालिया निशान ये है कि जम्मू, मैं जम्मू सिटी की बात नहीं करती, मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रही हूँ, कहता हमेशा यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। क्या आपको लगता है, मैं पंचेरी मोगरी के साथ साथ की बात कर रही हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन का रिजल्ट आने को है, आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर वो सौतेला व्यवहार ना होकर बराबर होगा? देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आने वाला समय वर्तमान सरकारों को, वर्तमान प्रशासनों को कैसे देखेगा, खास करके जम्मू में, जम्मू या पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जब पंचारी मोंगरी की बात कर रहा हूँ, वो निर्भर करेगा कि परिसीमन आयोग अपनी क्या रिपोर्ट देता है। आप देखेंगे जब लास्ट परिसीमन हुआ, उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स थी, जो पावर में थे, जो लोग बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने तरीके से परिसीमन किया कि जिस तरीके से उनकी जो पावर है वो पावर में बने रहें और उनको कोई चैलेंज ना कर पाए। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने उस पर और ठप्पा लगा दिया, उन्होंने क्या दिया जी 20-25 साल परिसीमन ही नहीं होगा, कहानी ख़त्म कर दी परिसीमन की। जबकि लगातार विकास के लिए, बेहतर विकास के लिए, क्योंकि जितने भी नागरिक हमारे हैं सबको हक है कि उनको बेटर प्लेटफॉर्म मिले अपनी डेवलपमेंट का, हर गांव हमारे लिए, हर नागरिक जरूरी है, रहने वाला हर जो हमारा शहरी है वो जरूरी है। तो जरूरी होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम, लाइक एक टेन्योर के बाद फिर से परिसीमन हो कि कहाँ किसको रिजर्व करना है, नए एरिया को किसको रिजर्व का बेनिफिट मिला है, उसको डी रिजर्व करना है, ओपन करना है। लेकिन उन्होंने बंद ही कर दिया परिसीमन, और परिसीमन जो जिन्होंने किया, आप उसको एक बार थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी परिसीमन। मैं सिर्फ अपने पंचारी मोंगरी की बात करूंगा ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट आप जहां का मैं नुमाइंदा हूं, जिसको मैंने पढ़ा है, जहां पला बड़ा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरी जो पंचारी मोंगरी DDC कंस्टिट्यूंसी, आप उसको देखेंगे पूरा एक परिवार है। पहले एक ही ब्लॉक हुआ करता था, एक नैवत हुआ करती थी, तहसील भी नहीं थी, तो बाद में जो है वो पंचारी और मोंगरी दोनों अलग तहसीलें बनी, दोनों अलग कंप्लीट ब्लॉक बने। इस टाइम 20 पंचायतें हैं उसमें, मेरे DDC कंस्टिट्यूंसी में। आप अगर जब एंटर होते हैं, कैंथ गली से एंटर होते हैं, जब मेन आप मेरे कंस्टिट्यूंसी में एंटर होंगे, तो वहाँ से लोअर मीर, अपर मीर, चुलना, सुमन, कुलट्याल, लट्यार, कट्टी, ये वो पंचायतें हैं, इनको आप देखेंगे, जिनको कि चिनैनी कंस्टिट्यूंसी के साथ डाला गया है। ठीक है, यानी कि इतनी 6-7 पंचायतों को मेरी चिनैनी कंस्टिट्यूंसी के साथ डाल दी, इतना बड़ा विधानसभा हल्का मेरी 7 पंचायतें उठा के उसमें डाल दी। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको कि क्या होता है, वोट बैंक का फर्क पड़ेगा कि वोट लेने के टाइम, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं भी उनको एड्रेस करेंगे तो आपको इतना बड़ा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो वोट बैंक का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप कट्टी से आगे जाएंगे, मेरे लांद्र और दंदौता पंचायतों को देखेंगे। अब यहाँ दिलचस्प, इन दोनों पंचायतों के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि ये दो पंचायतें ऐसी हैं जिस विधानसभा हल्के के साथ डाली गई हैं, उसका उससे जियोग्राफिकली कोई लिंक नहीं है। यानी कि लांद्र और दंदौता के बीच वो 7 पंचायतें चिनैनी के साथ, और लांद्र और दंदौता उठा के डाल दिए उधमपुर के साथ। मैं आज तक, मैं इसको इलॉजिकल कहता हूँ, इरेशनल कहता हूँ, ब्लंडर कहता हूँ, धोखा कहता हूँ सिस्टम के साथ, कि दो पंचायतों को उठा के आपने उधमपुर के साथ डाल दिया। उससे आगे मेरी 3 पंचायतें आप देखेंगे, चुनाव से पहले 3 पंचायतें आप मेरी देखेंगे, बदौता, सदौता, गलियौता,
तो इन तीनों को उठा के रियासी के साथ डाल दिया, कोई लिंक नहीं, कोई ज्योग्राफिकल लिंक नहीं, उधर उठा के उधर डाल दिया, यानी कि चनैनी, फिर दो जो है वो डाल दी उधमपुर के साथ, फिर तीन डाल दी रियासी के साथ। अब आप टूवर्ड्स मोंगरी जाएंगे तो मोंगरी पंचायत, हमारी जितनी पंचायतें थी उसकी उठा के डाल दी जनाब रियासी में। टिकरी की जो 6 पंचायतें थी, टिकरी ब्लॉक की मेरी, जिसमें मुत्तल जंगल गली और जसर कोट है, और मोंगरी का जिसमें पंजर है मेरा, कलसोत है, बसनोत है, लड्डा बी है, दुबी गली है, दमनोत है और लाली है, तो ये सारे एरिया डाल दिए रियासी के साथ। अब आप मुझे बताइए कि बाकी विधानसभाओं में बांट दिया गया इस हलके को, तो कौन इतना बॉदर करेगा? लाइक अगर एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आएगा, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो मुझे बताएं कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा जो दो पंचायतों को देगा? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगी, अगर फिर इस तरीके से सब आपने डिवाइड जो आपने क्लियरली बताया, आने वाले समय में इलेक्शंस हैं ही हैं, जिस तरह से सभी मान रहे हैं, अलग अलग जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज हो रही हैं, आपको लगता है जब MLAs अलग अलग जगह के होंगे, आपको एज उनसे अपने काम करवाने के लिए अलग अलग जाना पड़ेगा, कभी रियासी के पास, कभी उधमपुर के पास, कभी चनैनी के पास, बार बार घूमना पड़ेगा कि भैया साड़ा काम कराओ? जी डेफिनेटली, आप सोचें कि मैं एक DDC होने के नाते, मैं DDC रहूं, कल कोई और DDC आएगा, आप देखेंगे कि आपको 3 MLAs के पास अप्रोच करनी पड़ेगी एक प्रोजेक्ट के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ जोड़ूंगा टूरिज्म सर्किट को, जैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट की बात होती है काफ़ी, जैसे सुकराला माता है हमारी, या फिर और काफ़ी सारी जगह हैं जिनको रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट में लाया गया है, और क्योंकि टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपको एक छोटा सा मैप बताया, अगर मैं यहाँ टूरिज्म सर्किट, इसको टूरिज्म सर्किट में लाना चाहूँगा, रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट में, और कोई मेगा प्रोजेक्ट लाना चाहूँगा, तो आप यकीन मानिए कि मुझे 3 MLAs के पास घूमना पड़ेगा, और अगर वो तीनों एक मत के नहीं हुए, मान लीजिए तीनों अलग अलग पार्टीज़ के हुए, तो फिर तो हो गया मेरे क्षेत्र का विकास। और इसी को बेस बना के मैं ये आपको मैंने एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि बात यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू की हो रही है, लेकिन मैंने पंचायत की सिर्फ एक ज्योग्राफी बताई है, एक इलाके की प्रैक्टिकली चीज़ बताई कि किस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की कमीशन ने काम किया। अब आप जम्मू को देखेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्टें बनाता रहा है, सरकारें काम करती रही हैं, वो इमोशनल ज़्यादा थी उनको, जो है आप देखेंगे कि वो जो है एक तरह से भेदभाव की एक इंतहा थी, एक पीक थी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की। आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर हम जहाँ बांट नहीं रहे किसी को, मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लिए नया दौर है, ठीक है ना, और 70 वर्षों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमने जो है वो हमने हासिल कम किया है और खोया ज़्यादा है, देश से हमने लिया ज़्यादा है और दिया बहुत कम है, हालांकि हमारे जो है हमारे लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के विकास में, लेकिन मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो कैपेबिलिटी थी हमारी, हम जितना ज़्यादा दे सकते थे वो मौका हमें नहीं मिला जी। और शायद यही कारण था क्योंकि इमोशनली हमें जो है वो ब्लैकमेल किया गया, हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया पॉलिटिकली। अब टाइम है, मुझे बताइए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं और शायद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलके जो लोग काम कर रहे हैं वो ताउम्र चिल्लाते रहे हैं, वो ताउम्र कहते रहे कि जनाब हमारा मौका आएगा तो हम जस्टिस करेंगे, हमारा मौका आएगा तो हम जस्टिस करेंगे, तो क्या आज मौका नहीं है? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि इस समय बातें ये हो रही हैं कि भैया तो जो आपने कर दिया, आपने भी कह दिया कि इंतहा हो गई, इंतज़ार किए, बड़ा इंतज़ार हो गया, अब सवाल ये निशान ये है कि जम्मू को अलग कर दी, कश्मीर को अलग, या फिर जो डिलिमिटेशन की कमीशन आती है, क्योंकि जोरावर सिंह ने इंटरव्यू में बोला कि अगर 7 सीटें बराबर हमारे पास आती हैं तो फिर ठीक है भैया जम्मू कश्मीर को कट्ठे रहने दो, नहीं तो उनको अलग करो, नई पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे फिर ज्योतिलाल सिंह हो वो भी कह रहे हैं कि भैया जम्मू को अलग करो, कश्मीर को अलग, आपको क्या लगता है, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, या फिर? देखिए, मैं बात करूँगा वास्तविकता की, क्योंकि रोज़ इस तरह से लोकसभा नहीं चलती, रोज़ जो है वो 5 अगस्त नहीं होगी, और रोज़ चीज़ें इस तरीके से मोल्ड नहीं होंगी, इस तरीके से नहीं चलेंगी। तो मैं आज क्योंकि युवा हूँ, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं सीधी बिल्कुल रियलिस्ट बात करूँगा। मेरा अपना विज़न यह है कि जनाब जम्मू कश्मीर को आप रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है, जम्मू कश्मीर बड़ा खूबसूरत प्रदेश है और भारत का, जम्मू कश्मीर भारत का दिल है, और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो है वो हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ का एक इंच जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। जहाँ बात विभाजन की नहीं है, जहाँ बात है न्याय की, जहाँ बात है आने वाले पीढ़ियों के लिए जस्टिस की, जहाँ बात है दुनिया के साथ चलने की जी। और जनाब जम्मू कश्मीर में इतनी क्षमता है कि अगर आप पर्यटन, हॉर्टिकल्चर, होटल इंडस्ट्री और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दें, आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लाएँ जहाँ धुआं पॉल्यूशन करें, आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर की ज़रूरत क्या है आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण, मैं कहता हूँ चौथा स्तंभ बन सकता है भारत की अर्थव्यवस्था का, महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सके, और शायद दुनिया में सबसे, मैं नहीं कह रहा, सदियों से दुनिया कहती आई है कि यहाँ स्वर्ग है,
तो ये स्वर्ग जो है, अगर आप उसको रियलाइज करवाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे पीसफुल तरीके से, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पूरे हिंदुस्तान को लीड करेगा। मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम गया कि डीलिमिटेशन। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को आप ऐसे रहने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए, क्योंकि जम्मू मैं युवा जम्मू का युवा नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का युवा हूँ, भारत का युवा हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर का युवा हूँ। और मैं पूरे उन जम्मू कश्मीर के जो मेरे 70-80 लाख युवा साथी हैं, मैं उनकी ओर से विश्वास जताता हूँ कि हम साथ चलेंगे, हम साथ काम करेंगे, आने वाला समय बदलेगा, हम चीज़ों को बेटर करेंगे। यहाँ बात विभाजन की नहीं है, यहाँ बात यह है कि अब जो परिसीमन आयोग बैठा है, और मुझे ये बताइए कि हम क्यों विभाजन की बात करें, हम अल्टरनेट क्यों जाएं, जबकि एलजी प्रशासन काम कर रहा है, पावर सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो सवाल ही नहीं उठता कि इनजस्टिस क्यों होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैं विकल्प भी चुनूंगा ही नहीं, क्योंकि सीधा विकल्प यह है कि आप जनाब पॉलिटिकल जस्टिस करिए। लंबे समय से आप कहते आए हैं हम पावर में आएंगे, हम ये करेंगे, आज आप पावर में हैं, आज आप पोजीशन में हैं, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, आपकी रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन मैं एक बात सलाह जरूर दूंगा आज कि अगर आज इन्होंने जो है चूक की, तो आने वाला इतिहास क्या लिखेगा ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ये जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ ये जो है ना, ये सियासी लोग हैं, हमारे जैसे सियासी लोग, इन्होंने जम्मू और कश्मीर कर दिया, बांट दिया। अरे हम तो एक ही घर के लोग हैं, भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ बांटने की बात नहीं हो रही। जब हम जम्मू के हिते की सीटें बढ़ाने की बात करें, तो हम कश्मीर के साथ भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इसमें हमारे पास आनी चाहिए। देखिए मुझे तो लगता है फिलहाल अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे ऑलरेडी वहाँ 46 सीट्स हैं, हमारे पास 37 हैं, जो चार थी लद्दाख की वो अलग हो चुकी हैं। तो कम से कम मैं कहता हूँ आप बराबरी तो तब होगी जब लाइक 90 में 45-45 हो जाएं। तो मैं फिलहाल उसकी डिमांड नहीं कर रहा कि आप इतना कर दीजिए, इतनी तोड़फोड़ कर दीजिए, पर मेरा ये है कि जो नई सीटें बन रही हैं, कम से कम आप इतना तो करिए जनाब कि उनको जम्मू की बनाइए। मतलब आपका भी यही कहना है कि वो सीट्स जम्मू की बढ़े, और क्यों? देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जब, और शायद उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आपकी एरिया है, नहीं दो यहाँ की, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे कश्मीर के साथी हैं, वो ये ना सोचेंगे हम भेदभाव कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के आधार पे, हम बात कर रहे हैं एरिया के हिसाब से, हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। यहाँ बात ये नहीं हो रही, हितों की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब हितों की बात होगी, जब हम जम्मू और कश्मीर को दो अलग रीजनों के तौर पर देखेंगे जम्मू कश्मीर के, तो उसके बाद जब हम ये 7 सीटें जम्मू के लिए मांगेंगे, तो डेफिनेटली दुनिया कहेगी कि जनाब इनजस्टिस कर रहे हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर में कह रहा हूँ कि जो नई सीटें बढ़ रही हैं, वो जो जम्मू के इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ बढ़नी चाहिए। और उसमें मैंने पंचारी मोंगरी की डिमांड की है, और मैंने बेस बनाया पंचारी मोंगरी को कि देखिए किस तरीके से पुराने डिलिमिनेशन कमीशन ने काम किया, और अगर आज फिर वैसे ही काम करते हैं, तो आने वाले कितने दशक लग जाएंगे फिर हमें यहाँ स्टैंड होने में। और यहाँ मैं एक इशारा जरूर कहना चाहूँगा, लोकतंत्र है, ठीक है ना, दुनिया चलाए माने बड़ी तेज़ी से बदल रही है, हमेशा सरकारें एक जैसी नहीं रहती, हमेशा सरकारें जो है एक सोच की नहीं रहती, दौर बदलता रहता है। जब आपके पास मौका है तो कर दीजिए, मौका है जब आपने इतना कुछ कर दिया तो ये भी कर दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं ना, वो आने वाले फ्यूचर को देख रहे हैं, वो नए दौर को देखते हैं, उनके लिए ये अलग अलग हित्ते नहीं हैं, उनके लिए एक है, हम परिवार हैं, और वो कभी परिवार को नहीं बांटेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे साथी हैं वो अगर ये गवर्नमेंट ऐसा करती है, जम्मू खत्ते की सीटों को बराबर करती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने जम्मू कश्मीर के युवा साथी हैं, हमें उनका सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ वो ईमानदार हैं, उनकी सोच दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं की सोच बड़ी अच्छी है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की युवाओं की सोच बड़ी अच्छी है, और यही जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं पूरे भारत को नेतृत्व देंगे और आने वाले समय में सारी दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्होंने भी ये कह दिया है कि जो 7 सीटें हैं वो जम्मू की ही इस समय पक्ष में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तभी जम्मू का विकास आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें इस समय पार्लियामेंट में हो जरूर रही हैं पर ज़मीनी सतह पर वो है नहीं है। संशोधन लाए गए हैं पर संशोधन का फ़ायदा आम जनता को हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पिछली जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कार्य किए हैं वो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने एरिया में बता दिए हैं कि किस तरीके से मैं काम करवाऊंगा, अगर मेरे साथ में 3 MLA मैं अपने साथ जोड़ूंगा, एक ही आइडियाज़ उनको दूंगा, तब जाकर उनको एक ही कहते ना बोतल में उतारना, अगर वो उतारूंगा तब जाके मेरे एरिया का विकास होगा। तो सोचिए कि अगर ऐसा ही माहौल दोबारा आगे रहा तो किस तरह से सभी एक ही बोतल में उतरेंगे और जम्मू कश्मीर का विकास होगा। ऐसे कई सवाल हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इंटरव्यू में पता चल रहा है, आज भी ऐसे कई एरियाज़ हैं जहां पर बच्चियों को ना तो एजुकेशन मिल रही है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।